हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे। अपन पढ़ रहे थे इम्पोर्टेंट जीके क्वेश्चंस में। आज हमारा टॉपिक है प्रमुख अम्लों के प्राकृतिक स्रोत। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से आपसे हमेशा सवाल पूछे जाते हैं। तो आइए सेशन को चालू करेंगे और चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे। प्राकृतिक अम्ल आपको सवाल में पूछेगा कि फॉर्मिक अम्ल निम्न में पाया जाता है, या आपसे आंसर से क्वेश्चन बना सकता है। लाल चींटियों में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो आपको यहाँ से दोनों चीज़ें याद रखनी है, प्रश्न भी याद रखना है और यहाँ से उसका जवाब भी याद रखना है। तो आइए सेशन को चालू करेंगे और चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे। फॉर्मिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है, फॉर्मिक अम्ल किन में पाया जाता है, यह सवाल है। तो फॉर्मिक अम्ल लाल चींटियों और बिच्छू के डंक में पाया जाता है। तो पहला अपन ने क्या याद करा, फॉर्मिक अम्ल के प्राकृतिक स्रोत, अर्थात फॉर्मिक अम्ल किन में पाया जाता है। फॉर्मिक अम्ल लाल चींटियों में और बिच्छू के डंक में पाया जाता है। यहाँ तक की बातें क्लियर हो चुकी है। आइए साइट्रिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत, साइट्रिक अम्ल खट्टे फलों में पाया जाता है, नींबू में पाया जाता है और ऑरेंज अर्थात संतरों में भी पाया जाता है। तो पहला अपन ने पढ़ा फॉर्मिक अम्ल चीटी में और बिच्छू के डंक में, फिर अपन ने पढ़ा साइट्रिक अम्ल खट्टे फलों, नींबू और संतरा में पाया जाता है। तो दोनों चीज़ें आपकी यहाँ से क्लियर हो चुकी है, जल्दी बताइए। दोनों चीज़ें आपकी यहाँ से क्लियर हो चुकी है। आगे बढ़ते हैं, बेंजोइक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है। बेंजोइक अम्ल देखो मिलता है घास में, मिलता है पत्तों में, मिलता है और मूत्र में मिलता है। कोई कहीं में मिलता है, घास में मिलता है, हमारे पेड़ के पत्तों में मिलता है और मूत्र में मिलता है। अब यहाँ से एक सवाल मेरे दिमाग में आ रहा है, वह मैं आपको बताना चाहता हूँ। जो हमारे मानव मूत्र में दुर्गंध आती है, वह किस अम्ल के कारण की उपस्थिति को बताती है, यह सवाल आपसे पूछा जाता है। तो आपको याद रखना है यह यूरिया की उपस्थिति को बताती है। किसकी उपस्थिति के कारण दुर्गंध आती है हमारे शरीर में, यूरिया की उपस्थिति के कारण दुर्गंध आती है। यहाँ तक की बातें क्लियर हो चुकी होगी। आइए दोबारा रिवाइज करेंगे। फॉर्मिक अम्ल लाल चींटियों और बिच्छू के डंक में पाया जाता है, साइट्रिक अम्ल पाया जाता है खट्टे फलों में, नींबू और संतरे में, फिर अपने पढ़ा बेंजोइक अम्ल पत्तों में, घास में और मूत्र में। यहाँ तक की बातें क्लियर हो चुकी होगी। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, ऑक्सैलिक अम्ल। ऑक्सैलिक अम्ल आते ही अपन टमाटर को याद रखते हैं और एक सारेल का वृक्ष में भी यह पाया जाता है, ऑक्सैलिक अम्ल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर आता है हमारा एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल फलों के रस में पाया जाता है और सिरका में पाया जाता है, जिसमें यह सिरका तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सिरका तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपसे सवाल बनता है। नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल फिटकरी में पाया जाता है और सोरा में पाया जाता है। नाइट्रिक अम्ल फिटकरी और सोरा में पाया जाता है। तो क्रिया दोबारा करते हैं, ऑक्सैलिक अम्ल सारेल का वृक्ष और टमाटर, एसिटिक अम्ल फलों का रस और सिरका में, नाइट्रिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है फिटकरी और सोरा। यहाँ तक के पॉइंट क्लियर हो गए। आइए सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल हराकसिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हराकसिस में। टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है अंगूर और इमली में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, टार्ट्रिक अम्ल अंगूर और इमली में पाया जाता है, टार्ट्रिक अम्ल अंगूर और इमली में पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है, लैक्टिक अम्ल दूध में पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल दूध में पाया जाता है। यहाँ तक की बातें क्लियर हो चुकी है। मतलब इसमें कई किताबें इसको ऐसे लिखती है, खट्टा दूध, खट्टा दूध क्या होता है, खट्टा दूध अर्थात दही, तो लैक्टिक अम्ल दही में भी पाया जाता है। तो कहीं यहाँ पढ़ो कि यह गलत नहीं पढ़ाया गया है, इस दही को खट्टा दूध भी लिखा जाता है, तो लैक्टिक अम्ल खट्टा दूध में या दही में पाया जाता है। यूरिक अम्ल हमने आपको पहले ही बताया था, यूरिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है मूत्र, मूत्र में जो दुर्गंध का कारण क्या है, ये हो गया हमारा। फिर अपन ने यहाँ से देखो रिवाइज करते हैं, सिरका एसिटिक अम्ल भी पाया जाता है, संतरे में सिट्रिक आ जाता है, इमली में टार्ट्रिक, टमाटर में ऑक्सैलिक, खट्टे दूध अर्थात दही में क्या पाया जाता है, लैक्टिक एसिड पाया जाता है, नींबू में सिट्रिक, चींटी के डंक में मैथेनाइक अम्ल पाया जाता है, बिच्छू के डंक में मैथेनाइक या फॉर्मिक एसिड भी बोला जाता है। तो आप यहाँ से जो अपन ने पहला सवाल क्लियर किया था, या फॉर्मिक एसिड देगा या मैथेनाइक एसिड देगा, मैथेनाइक
मैथेनोइक एसिड भी आपको बोल सकता है। फिर आता है अंगूर हो गया हमारा, और दुर्गंध युक्त मक्खन में ब्यूटेराइक अम्ल पाया जाता है। तो यह थे हमारे कुछ प्रमुख अम्लों के प्राकृतिक स्रोत। तो ऐसे ही आपको क्या करना है, इसको रिवाइज करना है। आपसे एग्जाम में सवाल यहाँ से पूछे जाते हैं, इसलिए आपको पढ़ा दिया जा रहा है। तो ऐसे चैनल को प्यार देते रहिए, लाइक शेयर कमेंट अधिक से अधिक करिए, और इसको सब्सक्राइब करें अगर आप नए जुड़े हैं तो, और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देवें। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।